हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम DMX 512 के साथ में सोवा LED को प्रोग्राम करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम पहले एक शॉर्ट ओवरव्यू देख लेते हैं इस बोर्ड का। ये आप देखिए, लेफ्ट साइड में जो ये 12 बटन हैं, ये 12 स्कैनर्स या 12 लाइट्स के लिए यूज़ होते हैं। प्रत्येक जो लाइट है वो इस बोर्ड के अंदर हम अधिकतम 16 चैनल की यूज़ कर सकते हैं। और उन 16 चैनल को यूज़ करने के लिए ये देखिए, यहाँ पर 8 फेडर दिए हुए हैं। ये 8 फेडर पहले पेज पर 1 से 8 तक, और फिर हम ये वाला जो पेज सेलेक्ट वाला बटन प्रेस करेंगे, तो ये देखिए, इस बटन को हम प्रेस करते हैं तो ये 9 नंबर वाली जो LED लिट हो जाती है। तो इसका मतलब अब ये जो यही वाले फेडर जो हैं वो 9 से लेकर 16 तक के लिए काम करेंगे। ऊपर वाले ये जो 1 से 8 तक है, ये सीन बटन है। 8 सीन हम स्टोर कर सकते हैं प्रत्येक बैंक के अंदर, और इस बोर्ड के अंदर जो है वो अधिकतम 23 बैंक है। कुछ बोर्ड के अंदर 30 बैंक भी रहते हैं, बट इसके अंदर जो है वो 23 बैंक है। ये आप देख सकते हैं, अधिकतम 23। इसके बाद में हम बैंक अप करते हैं तो ये 1 नंबर पे आ जाता है, यानी 24 नंबर बैंक इसके अंदर नहीं है। ये जो स्पीड और फेड टाइम वाला बटन है, ये जब हम ऑटो मोड में इसको चलाते हैं तब काम में आएगा। और ये जो राइट साइड में है, ये बाकी के बटन जो हैं, ये स्पेशल जो प्रोग्रामिंग करने के लिए, बैंक अप डाउन के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, सीन डिलीट करने के लिए, या बोर्ड का सारा डेटा इरेज करने के लिए। सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं ब्लैकआउट बटन प्रेस करते ही इस बोर्ड की जो आउटपुट है वो बंद हो जाएगी। और ये देखिए, और लेफ्ट साइड में ये एक लाइट ब्लिंक कर रही है। ऐसे में ये बोर्ड जो है आउटपुट नहीं देगा, कोई भी लाइट नहीं चलेगी। दोबारा से ब्लैकआउट वाला बटन हम प्रेस करेंगे तब ये बंद हो जाएगी और ये बोर्ड अपना काम करना शुरू कर देगा। ये जो सोवा LED आप देख पा रहे हैं, इसको हमने D001 के साथ में नंबर दे करके DMX से कनेक्ट किया हुआ है इस बोर्ड के साथ में। तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये 16 चैनल अधिकतम सपोर्ट करता है, इसलिए 1 नंबर, मान लो आप अगर स्कैनर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए 1, 2 नंबर के लिए 16, 3 नंबर के लिए 33, फिर 49, 65, 81, इस तरह से, मतलब 16 16 बढ़ा करके नंबर देने होते हैं हमें। अभी हमने D001 किया, तो हम 1 नंबर ये बटन ऑन करते हैं और फर्स्ट स्लाइड ऑन करते हैं। देखिए, हमारी ये लाइट जो है रेड लिट हो गई है। यहाँ से हम सेकंड ऑन करते हैं, ये ग्रीन हो गई है। ये लाइट हमारी इसके साथ में प्रॉपर तरीके से काम कर पा रही है। ये चेक कर लेने के बाद में अब जो सेकंड पार्ट आ जाता है वो इस बोर्ड को प्रोग्राम करने वाला आ जाता है। तो प्रोग्राम के लिए आप ये देखिए, यहाँ आप एक बटन देख पा रहे हैं बैंक अप डाउन के नीचे, जो है पहला बटन है प्रोग्राम वाला। इस बटन को हम ऑलमोस्ट 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ देखिए, ये बोर्ड जो है प्रोग्राम मोड में आ गया है और प्रोग्राम के सामने वाली जो लाइट है वो ब्लिंक करना शुरू हो गई है। अब हम प्रोग्राम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये कलर ले लिया रेड, लाइट रेड ऑन हो गई। स्टोर करने के लिए आप देखिए, प्रोग्राम के जस्ट नीचे मिडी ऐड, इस बटन को हमने एक बार प्रेस करना है और यहाँ पर 1 नंबर बटन प्रेस कर देना है। यानी 1 नंबर सीन के अंदर रेड कलर स्टोर हो गया है। और जब स्टोर होता है तो ये सभी LEDs है 3 बार ब्लिंक करती है, ये कन्फर्मेशन देने के लिए कि बोर्ड में ये वैल्यू स्टोर की जा चुकी है। सेम हम इसको रिपीट करते हैं। सेकेंड हमने कलर ले लिया, वो देखिए ग्रीन, मिडी ऐड ग्रीन, ग्रीन के बाद में ब्लू, मिडी ऐड ब्लू, ब्लू के बाद में हमने फोर्थ ले लिया रेड ग्रीन इकट्ठा करके, मिडी ऐड इसको हम कर देंगे 4 नंबर पे। देन रेड ब्लू हमने ले लिया, मिडी ऐड 5 नंबर पे। अभी हम रेड ग्रीन ब्लू तीनों कर देते हैं तो ये वाइट हो जाता है, मिडी ऐड 6 नंबर पे। ऐसे आप टोटल 8 सीन स्टोर कर सकते हैं, यानी 8 कलर जो हैं वो स्टोर कर पाएंगे आप इसके अंदर। तो एक बैंक में अधिकतम 8 सीन ही आप स्टोर कर सकते हैं। और 8 पूरे करने ही आप 3 करना चाहते हैं तो 3 कर लीजिए। जब आप प्रोग्राम मोड से बाहर आने वाले हैं तो उसके लिए भी दोबारा से इस बटन को प्रेस करके रखना है। अभी आप देख सकते हैं ये ब्लैकआउट मोड के अंदर चला गया है। ब्लैकआउट को बंद करने के लिए ये वाला बटन है, ब्लैकआउट को ऑफ करेंगे हम, स्लाइड्स को डाउन कर देंगे, ये स्कैनर बटन भी बंद कर देंगे, इसका अभी यूज़ नहीं है। अब इसको ऑटो मोड में लाने के लिए देखिए, आप मिडी ऐड के नीचे ही ऑटो डिलीट वाला बटन है, इसको प्रेस करेंगे। राइट साइड में नीचे आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक होना, लाइट ऑन हो गई है।
तो इसका मतलब ये प्रोग्राम मोड में आ चुका है। अभी हमें एक नंबर सीन प्रेस कर दिया हमने, अब ये स्पीड का बटन है, स्पीड कंट्रोल आप इस बटन से कर पाएंगे। फेड टाइम वाला जो ये स्लाइड है, इसको आप तभी अप करेंगे जब आप इस बोर्ड के साथ में मूविंग लाइट प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी देखिए ये स्पीड काफ़ी तेज है, यहाँ से हमने स्पीड वाले बटन को थोड़ा सा कम कर देते हैं, और अभी देखिए आप रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पर्पल, जिस सीक्वेंस में जैसे हमने लाइट्स को प्रोग्राम किया था वैसे ही लाइट्स ऑन होगी। स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए ये जो लेफ्ट साइड वाला स्पीड वाला फेडर है आप यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में इस बोर्ड के बारे में हम और डिटेल्स में देखेंगे, इसके अंदर और क्या क्या फीचर है, कैसे हम इन सीन को एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, नए प्रोग्राम बना सकते हैं। थैंक यू।